हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखिए, सब्जेक्ट का जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट होता है। मीन्स जो वर्ब आती है वो हमेशा हमारे सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करती है। अब इसमें कुछ हम रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने लिखा है आई एम अ टीचर। अब आई यहाँ पे हमारा क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रनाउन होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट डूअर भी होता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही होती है वो भी होता है। दैट मीन्स इट कैन बी अ डूअर, मीन्स जो काम कर रहा होता है ये वो भी हो सकता है, या फिर हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अबाउट टॉक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, वो भी हो सकता है। एम, एम क्या है हमारे यहाँ, वर्ब है। वर्ब में देखिए मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट में एक ही वर्ब आती है तो वो मेन वर्ब होती है। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प के लिए आती है मेन वर्ब की, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में दो वर्ब आई हैं तो उनमें से एक मेन वर्ब होगी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी। बट अगर एक ही वर्ब आई है तो वो क्या होगी आपकी, वो हमारी मेन वर्ब होती है। अब देखिए यहाँ पर एक ही वर्ब आई है एम, तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब, ठीक है। और अ टीचर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों में क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। जैसे ऑब्जेक्ट है तो ये भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। ऐसे ही सब्जेक्ट क्या होता है, वो हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होता है। अब देखिए जैसे लिखा है आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे एम टीचिंग दो वर्ब आई हैं, ठीक है। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब एम और टीचिंग इसमें से कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है। जो फर्स्ट आती है मतलब जो पहले नंबर पे लिखी जाती है, जो पहले लिखी जाती है वो हमारी मेन वर्ब होती है और ये वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए इसके हम रूल्स पढ़ते हैं। तो हमारा इसका फर्स्ट कंसेप्ट है कि अगर ये वाले वर्ड मतलब एज वेल एज विद इन एडिशन टू Besides, but, like, and not, either, along with, unlike भी होता है इसमें, unlike, etc. ये वाले वर्ड्स अगर आते हैं तो जो उसमें वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे he, as well as, his friends, आ गया आपको कुछ भी लिखा हो, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे अब तो मैं वर्ब लानी है, अब ही के अकॉर्डिंग आएगी या फिर हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी, हम चेक करेंगे इसमें क्या है एज वेल एज। जब ये वाले वर्ड आते हैं जो हमारी वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट ही है मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पर हमारी आएगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे India, unlike other developing countries, has या have been trending at a pace. अब देखिए हमने देखा यहाँ पे क्या आया unlike, तो जब like, unlike, in addition to, as well as ये सब words आते हैं तो जो verb आती है वो first subject according आती है। यहाँ पे दो subject है ना, एक तो ये वाला subject हो गया, दूसरा ये वाला subject हो गया, तो verb किसके according आएगी, first subject के according। first subject क्या है India, विच इज सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा हैज। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंडिया अनलाइक अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन ट्रेडिंग एट अ पीस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इधर राहुल और हिज फ्रेंड्स वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें वर्ब फिल करनी है, अब इस वाले में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो वर्ब कैसी आएगी हमारे यहाँ सिंगुलर। अब नेक्स्ट देखते हैं, द बिल्डिंग विद ऑल इट्स कंटेंट
इंश्योर्ड. अब देखिए, अगर आप इट्स कंटेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप लगाओगे यहाँ पर आर, बट जब विद होता है तो जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट द बिल्डिंग है, इट्स कंटेंट है हमारा सेकेंड सब्जेक्ट, तो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, मतलब आएगी सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर क्या आएगा इस. ठीक है, तो अगर बिसाइड्स हो, बट हो, तो आपको ये सारे वर्ड्स लर्न होने चाहिए कि जब ये वर्ड्स आते हैं तो हमारी जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करती है, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, वो आती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, जैसे ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज going to Delhi. तो यहाँ पर जो मैंने वर्ब यूज की है वो वर्ब यूज की है is. Is किसके अकॉर्डिंग यूज की है? He के अकॉर्डिंग, क्योंकि he हमारा क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, तो ऐसे में इसमें यूज करेंगे. अब इसका हम सेकेंड कंसेप्ट देख लेते हैं. सेकेंड कंसेप्ट है हमारा एंड का, मतलब अगर हमारा एक सब्जेक्ट है फिर एंड से दूसरा सब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो अब जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब कैसी आएगी? वो वर्ब आएगी प्लूरल. प्लूरल क्यों आएगी? क्योंकि दो सब्जेक्ट हो गए हैं. अब जो जब दो सब्जेक्ट हो गए तो सब्जेक्ट कैसा बन गया? अभी प्लूरल. अगर हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब. ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो कैसे लगाते हैं? हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब. अब जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होते हैं तो हमारी वर्ब हमेशा प्लूरल भी आती है. जैसे राम एंड श्याम, यहाँ पर राम एक सब्जेक्ट हो गया, श्याम एक सब्जेक्ट हो गया, तो दो सब्जेक्ट हो गए और ये एंड से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल. इसे यहाँ पे क्या आया? आर. राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट. अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. अब देखिए यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, इसके लिए हमें कंसेप्ट समझते हैं. वो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों एंड से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर एंड है, ठीक है, अगर ये एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, मतलब कनेक्टेड हैं आपस में, अब कनेक्टेड हो गए दो चीजें, ये पानी के दो टैंक हैं, ये कनेक्ट हैं, आके एक इन दोनों का पानी एक बड़े वाटर टैंक में डल रहा है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या हो गया? तो सिंगुलर हो गया ये. बट अगर ये दो पाइप, ये दो टैंक हैं, ये अलग अलग पानी सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी और टैंक में, दो से टैंक में कर रहा है, तो अब यहाँ पर तो कितने हो गए? ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा, तो वर्ब कैसी आएगी? अब वर्ब आएगी प्लूरल. सेम इसी तरह समझते हैं, अगर हमारे दो सब्जेक्ट जो कि एंड से ही कनेक्टेड हो, बट वो एक चीज को, मतलब दोनों मिल करके एक चीज को रेफर कर रहे हो, एक सिंगल चीज को रेफर कर रहे हो. अब सिंगल चीज को रेफर कर रहे हैं, मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? अब वर्ब आएगी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब. तो यहाँ पे लिखा है ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. अब जब ब्रेकफास्ट करेंगे उसमें ब्रेड और बटर एक साथ ही खाएंगे, ऐसा तो है नहीं, पहले ब्रेड खा लेंगे बाद में बटर खाएंगे, ये पहले बटर खा लेंगे बाद में ब्रेड खाएंगे, एक साथ खाएंगे ना, तो मतलब ये दोनों मिलकर अब एक सिंगल सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, सिंगुलर बात बोल रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आएगा? इज. बट नेक्स्ट वाले में देखते हैं, ब्रेड एंड बटर सेलिंग एट द शॉप. अब देखिए यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, पर ये शॉप पर सेल हो रहे हैं. अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड के साथ बटर फ्री देंगे हम शॉप पर, फ्री तो नहीं देंगे हम, ब्रेड को अलग रेट में देंगे और बटर को अलग देंगे, मतलब अलग अलग सेल करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दोनों अलग अलग चीज़ को रेफर कर रहे हैं, मतलब ब्रेड अलग है यहाँ पे, बटर अलग है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? यहाँ पर प्लूरल आएगी, क्योंकि अब ये सिंगुलर चीज़ को रेफर नहीं कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे था राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, तो राम अलग मार्केट जा रहा है, श्याम, चाहे वो दोनों साथ जा रहे हो पर वो अलग अलग जा रहे हैं ना मार्केट, दोनों जा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे वर्ब आई थी हमारी प्लूरल. अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर जो है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो ब्रेड और बटर साथ में लगा के खाऊंगी ना, मतलब ये एक चीज़ को मेरे एक ब्रेकफास्ट है, तो ये इसको एक सिंगल चीज़ को रेफर कर रहा है. जब एक सिंगल चीज़ को रेफर करता है तो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है. जैसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं, राइस एंड करी
माई फेवरेट डिश। अब बताइए इसमें क्या आएगा। अब देखिए यहां पर मैंने बोला है मेरी फेवरेट डिश है, मतलब मैं राइस और करी को साथ साथ ही खाऊंगी ना, क्योंकि फेवरेट डिश है। जब फेवरेट डिश है तो राइस और करी एक साथ ही खाएंगे, तो जब मतलब अब ये दोनों मिलकर एक सिंगल डिश को रेफर कर रहे हैं, तो मतलब एक सिंगल चीज को रेफर कर रहे हैं, तो क्या है गिवन यहाँ पर सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा किस। अब अगर मैं से मतलब इसको लिखूं राइस एंड करी नॉट लाइक एवरीवन, एवरीवन मतलब राइस और करी है वो सबको पसंद नहीं आती। तो अब देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर डिश की बात नहीं करी है, तो आप यहाँ पे आर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इनको बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है और का कंसेप्ट। तो और के कंसेप्ट में ये होता है, जैसे अब और किस में आएगा, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के जो वर्ब आएंगे, तो जो उसमें वर्ब आएगी वो आएगी आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा। जैसे इधर ही और हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं वर्ब फिल करनी है गोइंग देयर। अब देखिए और ही आया, तो इसके पास कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना सब्जेक्ट, तो अब जो वर्ब आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब आ रहेगा। अब अगर इसको हमने उल्टा लिखा होता, हमने इसको लिखा होता इधर हिज फ्रेंड्स और ही, ठीक है। अब देखिए वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पास वाला सब्जेक्ट ये तो दूर हो गया, हिज फ्रेंड्स पहले है बाद में ही लिखा हुआ है, तो पास वाला सब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या आएगी, इन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर पास वाला सब्जेक्ट कौन सा था, हिज वाला, हिज फ्रेंड्स, तो इसलिए वहां पे वर्ब आई थी आर, ठीक है। जैसे नीदर द मॉनिटर नोर द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखिए द प्रिंसिपल और द मॉनिटर दो सब्जेक्ट है इसमें, अब इधर और नीदर नोर वाला केस है और नोर वाले केस है ये, ठीक है। तो जो इसमें वर्ब आएगी वो पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी, तो पास वाला कौन सा है हमारा, द प्रिंसिपल, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या आएगी, इज, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट है नीदर द प्रिंसिपल नोर द मॉनिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखिए एक तो सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, अगर आप देखो तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, पर हमारे अब इधर और नीदर नोर और नोर वाले केस हैं। अब जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा सब्जेक्ट वन हो गया, ये सब्जेक्ट टू हो गया, तो पास में क्या है इसके, द मोनिटर्स। अब द मोनिटर कैसा है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक है। अब देखिए अब हमारे आते हैं ये वाले, अगर ईच एवरी इधर नीदर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने हैं। जैसे एवरीबडी लव्स हर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ माई क्लास इज वेरी टैलेंटेड, मैंने सबकी बात कर दी है, मतलब ये इनडेफिनिट है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं टोटल कितने हैं। तो जहाँ पर ईच एवरी इधर नीदर ये वाले वर्ड आते हैं वहां पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, ये होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि अगर आपके जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगल चीज को रेफर कर रहे हैं, मतलब वो एक सेम एक सिंगल काम कर रहे हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, अदरवाइज प्लूरल आती है। जैसे 30,000 रुपीज स्पेंट ऑन फूड, अब देखिए मैंने 30,000 रुपये फूड पर स्पेंट किए हैं, एक ही जगह स्पेंड किए, मतलब एक ही जगह काम किया है फूड पर, तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पर, सिंगुलर इज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द ऑडियंस टेकिंग द सीट्स। अब ऑडियंस ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, ठीक है। टेकिंग द सीट्स, अब उन्होंने अपनी अपनी सीट्स ली होगी, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग आके एक ही सीट पे बैठ गए होंगे, है ना, अलग अलग सीट्स ली होगी उन्होंने। तो अब ये जो ऑडियंस है ये सीट्स को रेफर करे, मतलब अलग अलग होगी सबकी, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल मतलब आर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 500 रुपीज
spent on food shopping and movie. 500 का कम है वैसे, 5000 कर देते हैं. मतलब 5000 रुपीज जो मैंने स्पेंड किए हैं वो फूड पर, शॉपिंग पर और मूवी, अलग अलग जगह स्पेंड किए हैं. तो अब वर्ब कैसी आएगी यहाँ पर? प्लूरल, मतलब आर. और अगर मैंने लिखा होता 5000 रुपीज स्पेंड ऑन फूड, एक सिंगल चीज लिखी होती, तो वर्ब कैसी आती? सिंगुलर. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है, अगर ये चीजें आती हैं, मतलब अमाउंट होता है कोई, वेट, स्पीड, हाइट, डिस्टेंस, ये सब चीजें आती हैं, तो हम वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं इसे हम. हिज वेट 20 किलोग्राम. इस लगाऊंगी ना, आर तो नहीं लगाऊंगी कि हिज वेट है 20 किलोग्राम, क्योंकि जो वेट होता है, हाइट होता है, हर हाइट इज 5 feet 7 inch. ठीक है, तो यहाँ पे हाइट, वेट, डिस्टेंस, जब ये वाले वर्ड आएंगे, मतलब मेजरिंग वर्ड आएंगे, तो क्या बोलते हैं हम, जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो जो हमारे मेजर्ड वर्ड होते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ड लगाते हैं. ठीक है, जैसे देहरादून इज 70 किलोमीटर फ्रॉम सहारनपुर, या द डिस्टेंस ऑफ देहरादून इज 70 किलोमीटर फ्रॉम देहरा, तो द डिस्टेंस आया, तो इसलिए हमने वर्ब कैसे लगाई, सिंगुलर. तो हमें याद रखना है, जब हम मेजरमेंट करते हैं कहीं भी, तो जो हमारे मेजरिंग वर्ड आते हैं उसमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, कि अगर आ नंबर ऑफ आता है तो प्लूरल वर्ब आती है, बट अगर द नंबर ऑफ आता है तो सिंगुलर वर्ब आती है. अब देखिए, हम इसको लर्न कैसे रख पाएंगे. द प्रिंसिपल इस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो द होता है वो एक सिंगल, एक पर्टिकुलर चीज को रेफर करता है, मतलब एक स्पेसिफिक चीज को रेफर करता है, तो इसलिए द नंबर के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आता है. अब आ नंबर के साथ हमारा प्लूरल वर्ब, जबकि दोनों ही आ और द दोनों ही आर्टिकल है. ठीक है, अब देखिए, जब हमारा ऑफ आ जाता है, ठीक है, तो ममित मतलब जो आगे नाउन या प्रोनाउन होगा वो तो हमेशा प्लूरल ही आएगा. ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है. जैसे इसको देखते, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर आया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इज वेटिंग आउटसाइड. अगर यहां पे लिखा होता अ नंबर ऑफ बुक, अ नंबर ऑफ बुक पुटिंग आउटसाइड लाइब्रेरी, ठीक है, अब देखिए आ नंबर आया, तो आ नंबर आता है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, तो हम लिखेंगे आर. बट हमें दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जब ऑफ आ जाता है, ठीक है, ऑफ क्या होता है, ऑफ मतलब हम बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें थी, इसमें से हमने कुछ चीजें सेलेक्ट करी हैं. ठीक है, तो जो चीज सेलेक्ट करी वो हमने यहाँ लिख दी, यहाँ पर इस वाली जगह पे, तो अब जो ये वाली क्वांटिटी है ये तो बहुत ज्यादा वाली है, तो ये कैसी आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस. तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है हमारा, मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन ही होगा, तो ये हमेशा प्लूरल आता है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं. मैनी अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब. अ ग्रेट मैनी, अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो हमें सब प्लूरल ही बनाता है, मतलब प्लूरल वर्ब भी आएंगे, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब. मोर देन वन, अब देखिए मोर देन वन आया तो वन क्या है, सिंगुलर, तो हमारे सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. अब मोर देन टू, थ्री, फोर, कुछ भी आ जाए,
आपका प्लूरल नाउन ही रहेगा और प्लूरल वर्ब भी रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है अगर मोर देन वन आएगा तब आपका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट। प्लूरल नाउन आएगा तो नाउन यहाँ पे कैसा है, स्टूडेंट, ये आपका प्लूरल नाउन आ चुका है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल तो आएगा आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता मैनी आ स्टूडेंट्स इज वेटिंग आउटसाइड, अब देखिए इसमें चेक करते हैं कि मिस्टेक कहाँ है। मैनी आ के बाद हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, सही है, बट जो हमारा नाउन आता है वो तो सिंगुलर ही आता है ना, बट ये तो प्लूरल है तो इसे क्या बनाएंगे हम, सिंगुलर, तो क्या जाएगा मैनी आ स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हमारे कुछ नाउन से सिविक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रुपीज हो गया, न्यूज होगा, रिक्वा, ये सब सिंगुलर वर्ब होती हैं। सिंगुलर कब लेंगे ये, जब मैथमेटिक्स का यूज, जब देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सिविक्स भी सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। बट अगर मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन होगा तो वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, कैसे, माय मैथमेटिक्स टेल्स अस दैट हिज मनी इज मोर देन 2 करोड़, ठीक है। माई मैथमेटिक्स मतलब मेरी मैथमेटिक्स ये बताती है, यहाँ पे मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट तो ही नहीं है, यहाँ पे किस लिए यूज किया गया, यूज किया गया कैलकुलेशन के लिए, तो जब कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं तो वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल, तो वर्ब यहाँ पे आएगा टेल, तो माई मैथमेटिक्स टेल अस दैट हिज मनी इज मोर देन 2 करोड़, जो यहाँ पे इज आए तो इज मनी इसके अकॉर्डिंग आया, ठीक है। ये इस जो इस वर्ब है ये इस वाली सब्जेक्ट की वर्ब है, जो ये वाली वर्ब है टेल्स वो इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब है, तो हमें ये ध्यान रखना है। देखिए अगर आपके पोर्शंस लिखे होते हैं, परसेंट, फ्रैक्शन, पार्ट, मेजोरिटी, ये सब चीज लिखी होती हैं, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, तो देखिए इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट लिखा होगा, जैसे 50% ऑफ द पाई, तो ऑफ द पाई जो ये ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का, ठीक है, तो इसमें क्या यूज होगा, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन वो प्लूरल यूज होगा, यूज अ प्लूरल वर्ब, जैसे 50% ऑफ द पाई हैज डिसअपीयर्ड, तो 50% किसका है, द पाई का, मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो होल की बात करते हैं, तो जो वर्ब आती है वो इसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। जैसे 50% ऑफ द पाइज, अब यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ये क्या है पाइज, तो 50% तो इसी का है ना, प्लूरल का प्लूरल भी तो प्लूरल ही होता है, तो यहाँ पर इसलिए क्या आएगा, ये प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे 1/3 ऑफ द सिटी इज अनएम्प्लॉयड, तो 1/3 किसका है, सिटी का, ये क्या है सिंगुलर, सिंगुलर का कितना भी परसेंट होगी वो भी सिंगुलर ही होगा, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। 1/3 ऑफ द पीपल, पीपल क्या है प्लूरल, तो जब प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, मतलब जो हमारी वर्ब आएगी वर्ब होल के अकॉर्डिंग आएगी, होल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, अगर आपकी होल क्वांटिटी सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अदरवाइज आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। द विकेट कीपर एंड कैप्टन गिवन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, अब देखिए इसमें वॉज आएगा कि वर्ब आएगा, हमने देखा द विकेट कीपर एक सब्जेक्ट ले रहा, कैप्टन एक सब्जेक्ट ले रहा, दोनों एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सब्जेक्ट एक चीज को रेफर तो नहीं करेगा, क्योंकि विकेट कीपर अलग होता है, कैप्टन अलग होता है, गिवन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है तो वो द विकेट कीपर और कैप्टन को मिला है। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो द आर्टिकल है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के आगे लगा है, इसके आगे नहीं लगा है, मीन्स जो विकेट कीपर है और जो कैप्टन है वो दोनों एक ही है। अगर ऐसे लिखा होता द विकेट कीपर एंड द कैप्टन, इसका मतलब होता तो विकेट कीपर अलग है और कैप्टन अलग है, उन दोनों को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले, तो हम लगाते वर्ब,
हमें हमने देखा यहाँ पे द जो लगा है वो खाली विकेट कीपर के लगा है, कैप्टन के आगे नहीं लगा है, मीन्स विकेट कीपर और कैप्टन एक ही है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, वॉज। जैसे अ ब्लैक एंड वाइट गाउन बॉट बाई हर, उसने ब्लैक और वाइट गाउन खरीदा। अब अगर यहाँ पे लिखा होता अ ब्लैक एंड अ वाइट गाउन, तो मतलब उसने दो गाउन खरीदे हैं, बट उसने एक ही गाउन खरीदा, वो ब्लैक एंड वाइट, वो काला और व्हाइट कलर का है, मतलब काला और सफेद कलर का एक है गाउन, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। हमें ध्यान रखना है जब आर्टिकल अगर एक ही सब्जेक्ट के आगे लगा हो तो वो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, बट अगर आर्टिकल दोनों के आगे लगा होता है तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, अब डायरेक्टर अलग है क्योंकि उसके आगे आर्टिकल लगा है, प्रोड्यूसर भी अलग है उसके आगे भी आर्टिकल लगा है, अब दो आपके दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, हैव। अगर यहाँ पे लिखा होता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इतना लिखा हो तो हम लगाते हैज, क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के आगे लगा है, दूसरे सब्जेक्ट के आगे नहीं लगा है, ठीक है। अब देखिए ही इज वन ऑफ द बॉयज हु आर वर्किंग हार्ड, देखिए ही इज वन ऑफ द बॉयज, अब ऑफ आया है तो नाउन तो आपका प्लूरल ही आना है, जो वर्ब आएगा सॉरी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है नाउन है सब्जेक्ट वो आपका प्लूरल ही आना है। अब देखिए जो ये वर्ब है ये कैसी आएगी, हु जो है वो किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं द फिफ्थ एंड फाइनल, द फिफ्थ एंड फाइनल मतलब जो फिफ्थ और फाइनल था वो एक ही था, एक्ट कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन, तो इसमें हमारे एरर किस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में एरर है, क्यों? क्योंकि जो द फिफ्थ एंड फाइनल ये एक ही सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर, एक्ट्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल दैट इज आर इंटरेस्टिंग, अगर ओनली ओनली लिखा होता है तो वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर आती है। वन ऑफ माई डिजायर इज आर टू बिकम एन कलेक्टर, अब देखिए वन ऑफ माई डिजायर ये सिंगुलर है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? होल के अकॉर्डिंग आती है तो आएगी इज। टू फिफ्थ ऑफ द मैंगो, अब टू फिफ्थ है मैंगो के, मैंगो कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अब यहाँ पे टू फिफ्थ ऑफ द मैंगोज, अब यहाँ पे मैंगोज क्या है आपका? प्लूरल, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? मैंगोज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था क्योंकि जो हमारी वर्ब होती है वो होल के अकॉर्डिंग आती है, जैसे टू फिफ्थ हो या थ्री फिफ्थ हो, थ्री फिफ्थ ऑफ मैंगोज या 50% ऑफ बनाना इज रोटन, ठीक है। अगर लिखाओ 50% ऑफ बनानाज तो आएगा आर रोटन, क्योंकि जो हम वर्ब लगाते हैं वो होल नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। नीदर ऑफ देम गुड, अब ईदर नीदर ईच एवरी जो ये वाले केस होते हैं उसमें वर्ब कैसी आती है? हमेशा हमारी वर्ब हमेशा आती है सिंगुलर। देखिए ईच ईदर नीदर जो हमारे ये वाले वर्ड आते हैं उसमें जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और टू फिफ्थ ऑफ बुक्स इज आर बीन सोल्ड, टू फिफ्थ ऑफ बुक इज आर बीन सोल्ड, देखिए अब इसमें वर्ब आएगी बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक्स है होल, हम होल के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं तो ये है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। अब होल है यहाँ पे, हम होल चीज के बारे में बात करते हैं, कंप्लीट चीज के बारे में, कंप्लीट चीज है बुक, बुक कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। और एंड वाले में एक चीज और ध्यान रखनी थी, जैसे मैंने बताया था कि अगर ये सब्जेक्ट हो ये सब्जेक्ट हो ये दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर ये दोनों अलग अलग चीज को रेफर कर रहे हो तो वर्ब आएगी प्लूरल, जैसे हमने राइस एंड करी
ब्रेड एंड बटर वाला एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। अब जैसे लिखा हो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कमिंग, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कमिंग। अब हमें देखना है यहां पर हमें क्या वर्ब लगानी है, ठीक है। देखिए जो आर्टिकल है द, वो ये देखिए एक सब्जेक्ट आपका ये वाला हो गया, एक सब्जेक्ट आपका ये वाला हो गया, दो सब्जेक्ट हैं क्योंकि एंड से कनेक्टेड है। बट जो आर्टिकल है द वो एक ही सब्जेक्ट के आगे लगा हुआ है, मतलब हमने द जो आर्टिकल होता है वो कहाँ लगता है, द आर्टिकल वहां लगता है जो एक ही चीज को रेफर करता है। जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अब मैंने ये लिखा हुआ है तो ये दोनों एक ही, द खाली एक ही सब्जेक्ट के आगे एक ही नाउन के आगे लगा है, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों सेम चीज हो गए, मतलब एक ही बंदा है ये, तो वर्ब कैसी आएगी अब सिंगुलर। अब इसको ऐसे ना लिखेगा, मैं ऐसे लिखती हूं द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, दोनों के नाउन से पहले आर्टिकल लगे हुए हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग इंसान है, ये अलग है ये अलग है। अब दो सब्जेक्ट हो गए, अब कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, दो सब्जेक्ट हो गए, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अब वर्ब आएगी सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब आएगी आपकी, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल इस वाले पर मैंने लिंक दे दिया, यहाँ ज्वाइन हो जाइएगा और आपको यहाँ पे सबकी PDF मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।